ओके, द नेक्स्ट वन इज स्लाइड रूल. स्लाइड रूल्स मीन्स जो एक चीज़ आपकी बाहर अंदर हो सकती है. सी, दिस इज अ स्ट्रिप विच इज़ यूज फॉर स्लाइडिंग इन एंड आउट. ये कर्सर्स हैं, इन कर्सर्स के थ्रू कैलकुलेशन होती थी. इट्स अ फुल रूल. रूल मीन्स रूलर के सेंस में आप कह सकते हैं. अच्छा, कर्सर क्या होता है? जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, स्क्रीन पे एक ब्लिंक करता है ना कर्सर, उसको एक वे कर्सर उसका एक रोल है ना प्रॉपर. आप जब इसी चीज़ पे आप लेके जाते हो उस कर्सर को, ब्लिंक करते हुए कर्सर को, तो वो क्लिक करते हो तो आपका माउस काम करता है. तो इधर तो ये कैलकुलेशन का काम कर रहा है. अच्छा, दिस आइडिया इज़ बेस्ड ऑन द लॉगरिथम. फाइन, लॉगरिथम का आइडिया आपने पीछे, लाइक आप 9th में जब मैथ्स पढ़ोगे ना, प्रॉपर लॉगरिथम का पूरा आइडिया पढ़ोगे. अच्छा, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था विलियम ऑटरेड. डिवेलप्ड डिवाइस कॉल्ड स्लाइड रूल. कब इसने डिवेलप की थी? 1614 में. सो इट वाज अ वेरी यूजफुल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इट हैज़ थ्री पार्ट्स. उसमें मेरे थ्री मेन पार्ट्स क्या थे, कैन यू सी? उसमें ये पार्ट्स है रूल, कर्सर, और यहाँ पे स्लाइड. स्लाइड अंदर बाहर होती है. ये प्रॉपर एक रूल बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कर्सर्स भी हैं. अच्छा जी, एक ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर है. ये ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर है. फाइन, ये और ये छोटी सी एक डिवाइस किसके लिए यूज़ होती है? कैलकुलेशन के लिए. अच्छा, लिखा हुआ है, डू यू नो स्लाइड रूल वाज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर इन द अर्ली 1970s. अच्छा, आप ना आगे जाके पॉकेट कैलकुलेटर के बारे में पढ़ोगे, बल्कि आपको आइडिया भी होगा पॉकेट कैलकुलेटर के बारे में. नहीं आइडिया तो सर्च करें, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. सॉरी. ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज मार्क वन. ठीक है, अब कैन यू सी इन द पिक्चर? फर्स्ट, पूरे एक रूम की पूरी दीवार के साथ, लेकिन इतना लंबा जा रहे हैं. पहले कंप्यूटर इतने ज़्यादा रूम में लाइक फैले होते थे. अच्छा, ये अब आप इसके बारे में ज़रा क्लियर ध्यान से सुनिएगा. द नेक्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन इन्वेंटेड वॉज अ डिजिटल कंप्यूटर नोन एज मार्क वन. इट वॉज इन्वेंटेड बाई हॉवर्ड एकिन इन 1944. ठीक है, ये एक प्रॉपर सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन थी. अब इन्वेंट किसने की थी? हॉवर्ड एकिन ने 1944 में. अच्छा, मार्क वन कुड ऐड थ्री नंबर्स हैविंग 8 डिजिट्स इन 1 सेकेंड. अच्छा, क्या कर सकता था? एट अ टाइम थ्री नंबर्स को कैलकुलेट कर सकता था, और थ्री नंबर्स में भी कितने डिजिट्स होते थे? 1 में 8, और 1 सेकेंड में करता था, विद इन 1 सेकेंड. इट कुड प्रिंट आउट इट्स रिजल्ट ऑन पंच कार्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक टाइपराइटर. अच्छा, अब इट मीन्स इस टाइम तक टाइपराइटर इंट्रोड्यूस हो चुके थे, लेकिन आपके जो रिजल्ट थे वो कहाँ पे शो होते थे? अब आपके पेज पे. फाइन. अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि लाइक पंच कार्ड्स पे, पंच कार्ड तो आपको आइडिया होगा, लाइक उस पे ही आपको इलेक्ट्रिक टाइपराइटर रिजल्ट प्रेजेंट करता था. मार्क वन वॉज 50 फीट लॉन्ग, 8 फीट हाइट एंड वेट अबाउट 5 टन्स. देखें, लेकिन वो डेफिनेटली जब इतना बड़े रूम की वजह का लेयर है, तो उसने उसकी डेफिनेटली वेट भी ज़्यादा होगा, उसकी हाइट भी, सब कुछ. सो ये यूज़ क्या करता था? अच्छा हाँ, पहले ज़माने के कंप्यूटर पता क्या करते थे? लाइक दे यूज़ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी यूज़ होती थी. खैर, वही बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वेंशन हुई तो अब तो खैर अच्छा खासा सिस्टम चेंज हो चुका है. इट यूज 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस. अब सी उसके स्विचेस कितने. आप डेफिनेटली जब एक पूरी रूम, एक रूम की एक दीवार पूरी कवर होगी उसके साथ, तो उसने उसके स्विचेस भी तो होंगे ना. आप एक छोटे से स्विच पे तो वो काम करने से रहा. मार्क वन इज शोन इन फिगर 8-1. ओके, मोर ओवर मार्क टू, मार्क थ्री एंड मार्क फोर वर ऑल्सो बिल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ हॉवर्ड एकिन विद एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज. अब आपका ये एक टास्क है कि आपने मार्क टू, मार्क थ्री और मार्क फोर के बारे में पढ़ना है इंटरनेट से खोल के खुद. फाइन. अब जब ये फर्स्ट वन इन्वेंट हुआ था ना, उसके बाद इसने ये भी इन्वेंट किए थे, बट उसके सुपरविजन में हुए थे ये. अच्छा, सिंस कंप्यूटर इवेल्यूशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड इन द मॉडर्न एरा. अब डेफिनेटली कंप्यूटर की इवेल्यूशन ख़त्म तो नहीं होती ना. अब जब जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो लोग उसको और नए तरीके से इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं. न्यू सिस्टम्स आर बींग डिवेलप्ड टू प्रोवाइड वॉइस रिकोगशन एंड अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज. आप तो डिफरेंट लैंग्वेज आपने देखा होगा, आपके मोबाइल में भी आपके लिए वॉइस रिकॉग्निशन से आपका मोबाइल पासवर्ड खुल जाता है, आपके फिंगरप्रिंट से खुल जाता है. आप तो आपके नेचुरल लैंग्वेजेस को भी समझने के लिए डिवाइसेस आ गई हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC इज़ बींग यूज इन टूडेज डाटा सेंटर्स फॉर फास्ट डाटा प्रोसेसिंग. अब ये एक प्रॉपर सिस्टम है जो आपका यूज़ होता है, ये आप इंशाल्लाह के फर्दर चैप्टर्स में सारा कुछ पढ़ोगे. ये यूज़ होता है किसके लिए? आपके डाटा प्रोसेस, लाइक हाई क्लासेस का डाटा जो फास्टेस्ट वे में अगर आपने परफॉर्म करना है तो.
अच्छा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग एज पीसी इज़ द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर रनिंग एडवांस एप्लीकेशन प्रोग्राम एफिशिएंटली रिलायबली एंड फास्टली। अच्छा, एक डाटा को रिलायबल भी होना ज़रूरी है कि रिलायबल ये कि मतलब वो गलत ना हो। तो डेफिनेटली कंप्यूटर एक मशीन है, वो आपको एक्यूरेट ही चीज़ देगी अगर आप एक्यूरेट अमाउंट से या कोई भी डाटा दोगे तो। सो इट वर्क्स एफिशेंटली फास्टली एंड रिलायबली। रिलायबल मीन्स उसके जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें मिस्टेक नहीं होगी अगर आपने ना की हुई डालते हुए डाटा। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ बीन रिड्यूस इन द सिंपलेस्ट टर्म। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में भी ना जो आपकी गूगल ड्राइव होती है उसमें आपकी डिफरेंट पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें सेव होती हैं ना। और जिस तरह आपके कंप्यूटर, चले मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल में आप पिक्चर सेव करते हो मेमोरी कार्ड में, चले मोबाइल में अगर मोबाइल ख़राब हुआ या मेमोरी कार्ड ख़राब हुआ तो क्या होगा, आपकी सारी पिक्चर सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा ना। बट अब आप इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया सिस्टम कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स आप ऑनलाइन एक प्रॉपर एक ऐप है, ठीक है। ये अब ये नहीं है कि ये पब्लिक है ऑफ, ये आपकी ना प्राइवेट है, हर किसी का अपना ये अकाउंट होता है, उसमें आप अपनी सारी पिक्चर्स जो है ना सिंपलेस्ट लाइक अपनी सारी चीज़ें उस पर स्टोर कर सकते हो, वेदर आपका डाटा है या कोई भी चीज़ है, और आप थ्रू इंटरनेट उसका एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। होती है वो आपकी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में ही, लेकिन सॉरी हार्ड ड्राइव में सेव नहीं होती है, वो इंटरनेट के थ्रू सेव होती है आपके प्रॉपर एक अकाउंट में। द करंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आर लाइकली टू ट्रांसफॉर्म कंप्यूटर इंटू इंटेलिजेंट मशीन। अब आप क्या हुआ है कि आपकी जो करंट एडवांसमेंट है कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी में वो किस चीज़ में ट्रांसफर हो गया, कंप्यूटर इंटू इंटेलिजेंट मशीन हैविंग थिंकिंग पावर। अच्छा, कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो आप किस तरह आपकी शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसकी इंटू इंटेलिजेंट मशीन हैव थिंकिंग पावर। कैन कंप्यूटर थिंक? देखिए, अल्लाह ताला ने किसको कैपेबिलिटी दी है, और लेकिन जितनी इंटेलिजेंट आप जो मर्जी कर ले कंप्यूटर, ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ तो लेने से रहा के ले सकता है। खुद सोचिएगा इस पॉइंट पे ज़रा। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर विल प्रोबेबली कंटिन्यू टिल देयर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैविंग बिकम इक्वल टू ह्यूमन इंटेलिजेंस और इवन बियॉन्ड दैट। अब हमारी जो है क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, एबिलिटीज़ है, अब कंप्यूटर तो उन्हीं पे बना है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की इक्वल आएगा और उससे ज़्यादा वो उसकी लिमिट क्रॉस करेगा या उससे बियॉन्ड मीन्स बहुत दूर तक जाएगा। ये फर्दर एक प्रोसेस में है ये चीज़, क्लियर। अब जितना मैंने आपको पढ़ाया इसको थॉरली आपने दोबारा पढ़ना है डिटेल में और इसको याद भी करना है, और जितना पढ़ाया इसके MCQs आपने बनाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। मेरे करने से पहले आपने क्या करना है, इसको ख़ुद से पढ़ना है, इसके डिफरेंट जनरेशन मीन्स कंप्यूटर के, जैसे किस तरह कंप्यूटर इन्वेंट हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले ट्यूब्स में था, फिर आपके स्लॉट्स में आया, चिप्स में आया, लेकिन वो आपकी प्रॉपर इन्वेंशन हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आप ख़ुद से पहले पढ़ोगे। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।